आईएएस बनने के लिए आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपकी साइंस कितनी अच्छी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं के बराबर फर्क पड़ता है। लैंग्वेज की स्किल्स अगर आपकी ठीक है, पढ़ने का डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के अंत में भी सीरियस होंगे तो भी पर्याप्त समय आपके पास है। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेन से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। बहुत धन है, होश नहीं है, शराब में जा रहा हूँ, क्लब में जा रहा हूँ, बियर बार में जा रहा हूँ, लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेगा। सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए, और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं, 15 घंटे सेटिंग मत दिया करो यार। और ये जो यूट्यूब पे टॉपर बोलते हैं ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ देता, मेरे पास लेकर आओ टीना दाबी, कोई भी। आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें? पत्नी, बच्चा, घर परिवार, रुपया पैसा, स्त्री पुरुष सब में सुख मिल रहा है। दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दें? लेकिन ये सारा मन माया का संबंध है। मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ए जोगी मरो।